आप लोग कैसे हो और आपका स्वागत है नूर व्लॉग में। और हम आ चुके हैं केटगवां बांध, आप देख सकते हैं ये रहा बांध है जिसका नाम है केटगवां बांध। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये बन रहा है ब्रिज, आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज बन रहा है स्टेट हाईवे 56 के लिए जो कि कुशेश्वर स्थान से फुलतोड़ा तक जाएगी ये स्टेट हाईवे। और हमने इससे पीछे वाली वीडियोज में आपको हम दिए थे अपडेट, स्टेट हाईवे 56 जो कि कुशेश्वर स्थान से फकदौलिया धबोलिया होते हुए, और ये रहा केटगवां और यहाँ का हम देने आ गए अपडेट। और दोस्तों ये पड़ता है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जो कि दरभंगा से बहुत ही दूर है। यहाँ से अगर हम जाते हैं दरभंगा तो 70 किलोमीटर पड़ता है केटगवां से दरभंगा। और देखिए यही बन रहा है ब्रिज, और ये जो नदी है इस नदी का नाम है बलान, ये नेपाल से आती है बलान। और इधर जो है आप देख सकते हैं ये जो है बलान आगे जाएगी कर्रे, और कर्रे से जो है ये गंगा नदी में मिल जाएगी। तो देखिए आपको आपको हम बता दें केटगवां जो है ये रहा केटगवां, इधर जो हो गया नेपाल जो कि नेपाल से पानी आती है कोसी बैराज से। तो अगर आपको देखना है कोसी बैराज का वीडियो हम जो है ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुके हैं कोसी बैराज का वीडियो, तो वहीं से आता है पानी कोसी बैराज से नेपाल से। और इधर से जो है इस नदी का नाम बना बलान और निकल जाती है इधर कर्रे, और कर्रे से जो है चली जाती है गंगा नदी में और उसमें मिल जाती है। तो दोस्तों ये रहा देखिए स्टेट हाईवे 56 का ब्रिज जो कि बन रहा है बहुत ही जोर शोर से। अभी जो है जून जुलाई से जो है बारिश होती है और उसके बाद जो है जुलाई अगस्त में जो है इसमें पानी अच्छा खासा हो जाता है। तो हम चलते हैं आगे भी और आपको हम देते हैं आगे भी अपडेट ये जो है ब्रिज कब तक बन जाएगा। और दोस्तों आपको हम बता दें आपसे रिक्वेस्ट है मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और नूर ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इस ओर। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हम जो है ब्रिज के नज़दीक आ चुके हैं और आपको दे रहे हैं अपडेट। और आपको हम बता दें दोस्तों जब ये वीडियो शूट हो रहा तो यहाँ पे पानी नहीं था, लेकिन जब ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे पानी आ चुका है। चूँकि यहाँ जो है पानी कब आया किसी को पता नहीं है। तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक।